गाइस वेलकम टू ब्लॉग। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम करेंगे पाकिस्तानी रिपोर्टर उनका रोस्ट, बिकॉज पाकिस्तानी रिपोर्टर ऐसे कि आपको हर एक फनी मोमेंट उनको देखने में मिलेगा, चाहे वो बाढ़ हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई ना कोई मसला जरूर होता है। तो वन ऑफ द फनीएस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो उनको झेलना पड़ता है रिपोर्टिंग के टाइम में। तो सीधा चलते हैं रिपोर्टर की तरफ और उनसे ही जान लेते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, काफी मजा आने वाला। और को हाट से बड़ी तादाद में लोग आते और जाते हैं। इस हवाले से हम इस इन इलाके के रहायशों से पता करते हैं, मालूम करते हैं कि आवाम को क्या मुश्किलात हैं। ये तो ऐसा हो गया, पूछने कुछ और गए थे और मिल कुछ और गया। तो चलते हैं आगे। वो बनता बन भाई साहब को दिखी, जैसे कि आप काफी मेहनत से पढ़ाई करके जाते हो और बीच में कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो कितना गुस्सा आता है, तो उसी तरह भाई एकदम रिपोर्टिंग में घुस चुके हैं और तमाम पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और तभी एक शरारती बच्चा एंटर कर जाता है, तब क्या होता है उनकी हालत, और शहर भर में स्याह झंडे और करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। काफी मेहनत से और जुनून से अपना रिपोर्टिंग कर रहे, फिर अचानक से ऐसा हो जाता है कहीं से भूखा आपके ऊपर आ गिरा है, तो वही हाल कुछ इनके साथ हो। तो हाल देखें, यहाँ प्रेस क्लब को बनाने के लिए नहीं, मगर उठा नहीं, मगर उठा नहीं, मगर उठा झटका, जोर का झटका उसे लगा। ठगले फली अम्मा को देखे हो कभी? आइए दिखाता हूँ। बंदर का शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है, जो भी टाइम से कोशिश कर रहे कि एक अच्छा फुटेज मिल जाए, मगर नहीं, अम्मा जी ने तो ठान लिया कि नहीं बेटा, हम तो तुम्हें बनाने ही नहीं देंगे वीडियो। फुल ठगले उसे सुनाई नहीं दे रहा, बीच बीच में ये लोग उसे उंगली किए जा रहे। ऐसा होता है ना जब एक कोई बीच में बकरा बन गया हो, चार दोस्तों साथ में खड़े और उसकी खींचन तानी चालू है। जी बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हेलो, आपका मतलब है नंबर से फिलहाल जवाब मुश्किल है, कुछ देर बाद कोशिश करें। आप काफी शिद्दत से पढ़ाई करके आप ये मुकाम हासिल करते हो, फिर मिल जाते हैं रास्ते में बैक बेंचर्स वाले, तो यही होता है हाल। प्लीज ट्राई लेटर, इस वक्त गुलसोफी भी इसी व्यू के ऊपर मौजूद है। गुलसोफी बात अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज कमीज तो पहनी हुई है, इससे बड़ी यही कमीज है। मुश्किल से चाचा से रिपोर्टिंग हो रही है और एक बच्चा बेचारा बीच में आ गया। और यहाँ 15 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, जिसमें एमकेएम है, तहरीक जो पड़ी है कंटाप से सीधा धपा से दिया है उनको, ताप है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून है, पीपीआई। बेटा जोंग भी हैं, लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में भी लोग यहाँ खड़े हैं, ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है बावजूद इसका आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है? चलिए ये शायद सुनते नहीं है, ये बताइए। और इतनी बारिश शुरू हुई कि जिंदा दिलाने लाहौर सड़कों पर। आप बताए क्या कहते, बारिश आपको कैसा लगा? बारिश में ऐसा फील हो रहा था कि हम नीचे शॉप पे बैठे हुए थे और जब पता चला कि बाहर इतनी औसम मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, हम अपनी शॉप छोड़ के नीचे से फौरन बारिश में नहाने आ गए। आपको कैसा लग रहा है? सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं बारिश में, हम इतना मजा आ रहा है कि अभी सोचो। जिंदा दिलाने लाहौर। अबे गाय आ रही है भागती हुई, बना ले, बना ले एक शॉट मुझे बुझाए आगे। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है और काफी लोगों को पता भी हुआ, कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ बने रही। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरूनी मुल्क जा रहे। अरे यार क्या कर रहे, गाड़ी चल दी, उधर से निकल जा भाई।
दिस इज लाइफ। कराची से लोग अंदरून मुल्क कराची से लोग ईद मना I'm not interested यार। अपनों में अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल के साथ चांद नवाब इंडस न्यूज कराची। एक दफा दे दूं। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल के साथ चांद नवाब इंडस न्यूज कराची। आगे ना देखो भाई, उधर चले जा जरा एक मिनट। अब आपको मत सिखा चल। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल के साथ चांद नवाब इंडस न्यूज कराची। यार बड़ा बेगरत आदमी, उधर भाई उधर चले जाओ। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बीबी, उधर चलिए एक मिनट रुक जाना। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, इधर से चले जाओ ना यार, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तू क्यों आया था? कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल के साथ चांद नवाब इंडस भड़वे थे सामने देखो, तो देखो हमारे साथ। कराची से लोग अंदरून, क्या देखो कराची से लोग कुत्तों के सौदागर। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। Hey guys, so I hope आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा हो, and next time जो होगा वो इंडियन रिपोर्टिंग के ऊपर होगा, इंडियन न्यूज रिपोर्टर जो है उनके ऊपर होगा रोस्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड इन जे जुगाड़ ब्लॉग के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में और रोस्ट करेंगे इसी तरह। सो टेक केयर, सी यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।